बाबा सेवा सिंह कार सेवा खडूर साहिब जी की रहनुमाई हेठ चल रहे निशाने सिखी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ट्रेनिंग दे तीन विद्यार्थी अमितेश्वर सिंह प्रीतम सिंह नवनीत सिंह बाजवा भारतीय जल सेना विच बतौर सब लैफ्टिनेंट भर्ती हुए ने। इन्हां विद्यार्थियों ने अपनी ट्रेनिंग NDA खड़कवासला पूना अते इंडियन नेवल अकैडमी इजिमाला केरला तो पूरी करन तो बाद भारतीय जल सेना विच अपनियां सेवावां शुरू कर दित्तियां हन। इस मौके NDA विंग दे डायरैक्टर मेजर जनरल सरदार बलविंदर सिंह VSM रिटायर्ड वल्लों इन्हां विद्यार्थियों नूं चंगे भविष्य की कामना अते वधाई देण दे नाल नाल इस अकादमी विच पढ़ रहे विद्यार्थियों नूं होर मेहनत करके चंगे मुकाम हासिल करन लई वी प्रेरिया। मैं ही कहना चाहना भी मैनू अज बहुत वधिया लगा भी जिस इंस्टीट्यूट तो मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत की है 10वीं तो बाद मैं इतने आया है। मैनू कुछ नहीं पता है भी NDA की हों बस इन्ना पता है भी अफसर बनना जो तुम तो NDA जाओ। बाकी जो NDA के बारे मैं दसिया गया रिटन टैसट की तैयारी SSB की तैयारी सब कुछ इस इंस्टीट्यूट ने मैनू करवाया। मैनू बहुत सारिया चीज़ों का नहीं पता से भी NDA की हों सब कुछ मैनू इस इंस्टीट्यूट ने दसिया। इस इंस्टीट्यूट की बदौलत ही मैं अज इतने तुहाडे सामने यूनिफॉर्म च बैठा एज अ सब लैफ्टिनेंट तो मैनू अज बहुत वधिया लगे। आप गल कर रहे हैं बहुत सारे नौजवान NDA करना चाहते हैं परंतु उन्होंने मन च एक हौमा बैठा कि NDA बड़ा औखा कोर्स आ कि असं पास आउट नहीं कर सकते सो तुहानू की लगता कि किन्ना औखा है। मैं जिहड़े बच्चे NDA क्लीयर करना चाहते उन्होंने मैं यही कहना चाहता भी हाँ मुश्किल तो हैगा NDA जाना पर जे तू एक बार मन बना लिया है भी आप करना तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुसी आओ 10वीं तो बाद इतने एडमिशन लो अद्धी ताड़ी जी प्रॉब्लम वो सोल्व हो जूगी। जे तुसी निशाने सीखी NSPH एडमिशन ले लिया तो तुसी आ समझ सकते हो भी 50% काम जिहड़ा ताड़ा हो गया है बाकी इंस्टीट्यूट ने तुहानू अपने आप ही करवाई जाना। 2 साल तुसी इत्थे चज ना पढ़ो जो इत्थे दे टीचर ने जो इंस्ट्रक्टर ने वो तुहानू कहिंदे जे तुसी उहनू फॉलो करोगे 100% तो आई एम श्योर भी तुम NDA रिटन तो इंटरव्यू क्लीयर कर सकते हो। सन 2015 निशाने सिखी के इमारत टावर के जो NDA की तैयारी करने वास्ते शुरू की जनरल सतवाल साहब की अगुवाई में तो 2017 पहला बैच पास आउट आया उन्होंने 5 बच्चे अपने पास आउट हुए सी ते समय समय हुण तक 16 बच्चे अपने पास आउट हो चुके ने इतों लैके तो खड़कवासला जो पहले बैच के 5 बच्चे से और होर दूजे बैच के भी 3 बच्चे उतों पास आउट हो गए हैं। कुछ एयरफोर्स गए ने कोई नेवी च गए ने कोई आर्मी च गए ने सो बच्चे उन्होंने उतों कमीशन हासिल कर लिया तो पास आउट हो गए अपनी जॉब से तत्पर हो गए ने। सो अज बड़ी खुशी है उन्होंने जोड़े 16 में 9 बच्चे जोड़े अच्छ छुट्टी पर आए थे इतने इकत्र होए ने आए ने 9 बच्चे बाकी जोड़े ट्रेनिंग लै रहे उन्होंने भी नाल कोई सलाह मशवरा देंगे कुछ सिक्ख्या देंगे। सो इन बच्चों का भी बड़ा माण है सर गौरव आ कि साढ़े पंजाब के बच्चे गुरसिख बच्चे जोड़े इन पोस्टें पहुँचे ने ब्रिगेडियर जनरल तक कि पोस्टा तकरीबन पहुँच जा बच्चा हिम्मत करे तो उदम करके निशाने ते लग जाते हैं। सो अरदास सतगुरु चरणा जी इन्होंने बच्चों होर बल उदम बख्श करे ता कि बच्चे अपने देश कौम की धर्म की रक्षा करके अपना नाम रोशन कर गुरु दी खुशियां प्राप्त कर हमेशा चढ़ती गल में रहें। आप गल कर रहे हैं बहुत सारे मापे जोड़े ने चाहवान कि साडा बच्चा पढ़ लिख के अफसर बने सो कितें ना कितें मापिया ज्ञान की घाट होंगी है सो किवें मापे जोड़े अपने बच्चों इस लाइन के पा सकते हैं। इतने 10वीं तो बाद प्लस 1 च आप इतने दाखला बच्चा हूँ तो प्लस 1 प्लस 2 2 साल उन्होंने सिलेबस हों बोर्ड की तैयारी होंगी है उस तो नाल उन्होंने NDA की लिखती टैस्ट की तैयारी होंगी है नाल SSB की तैयारी होंगी है ये तिने 2 साल मुकम्मल आराम चलता काम तो जो प्लस 2 बाद बच्चा वह योग्यता बन जाती एलिजिबिलिटी बन जाती है वो बच्चा NDA की लिखती टैस्ट दिता है उस तो बाद SSB की तैयारी करता है तो बच्चा पास होता क्योंकि हैगा बड़ा औखा पर बच्चा किया कोई बहुत इन्ना जिहड़ा गुरु की बख्शिश होती है क्योंकि 6-7 लाख बच्चा अपीयर हों 300 सीट होंगी NDA की कुछ बच्चे जाते हैं। आप पता गल कर एक पास बच्चे जिसे तुम पढ़ा लिखा के बच्चों का अवसर बना रहे दूजे पास जी अपनी नौजवान पीढ़ी है इस पंजाब की तो कुछ बच्चे जोड़े ने बिगड़ चुके हैं गैंगस्टर बन रहे हैं या नशे के लिए गलतान हो रहे हैं सो जे बच्चे अजिंह कृतियों के पे ने उन्होंने तुम की कहना चाहते।
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।